बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी, आत्मधातु पर। कैसा एलिमेंट है आत्मा के विषय में जो ये व्याख्या है, किसी एक मत, एक पंथ, एक व्यक्ति की नहीं है। आप अगर दुनिया के सभी धर्मों का मंथन करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आत्मा की अविनाशता के विषय में सभी कह रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। अगर आप सभी प्राणियों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे आत्मा का जलवा दिखता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे कुल्ले में, पटोहे में एक चिड़िया का जोड़ा रहता था, बड़े जेंटल थे वो दोनों का जोड़ा था, सिर्फ मनुष्य का नहीं जानवरों का भी होता है। उन्होंने वहां घोंसला इसलिए बनाया, उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी। हम सबसे कहीं अधिक जीवन के लिए संघर्ष पशु पक्षी जानवरों को करना पड़ता है, पर उनके अंदर झांक कर देखना आत्मदेव पूरा पूरा नजर आएगा। तो अब मैं उनको क्यों नहीं निकाल पाता था, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने उसमें घास का पटोहा था एक जगह बनाई ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। दोनों उनके लिए फीडिंग कर लाते थे चोंच में, नर भी मादा भी, नर और मादा दोनों लाते थे। अब क्या था, ऐसे मादा बाईं तरफ से ला रही थी, नर दाहिने तरफ से, पटोहे दीवार के ऊपर पटोहा था इसलिए उसमें से आने जाने का रास्ता छोटा सा, पशु पक्षी आ सकते थे। अचानक चिड़िया की गर्दन, चिड़िया पंखे से टकराई, उसका ध्यान हट गया। वो बड़े दिन से रह रहे थे, मैं उनको देखता था, बंधु चिड़िया की गर्दन एकदम कट गई पंखे से, वहीं मर गई। बड़ा अफसोस हुआ, मैंने लड़कों को बुलाकर चिड़िया को बाहर फेंकवा दिया। नर को नहीं मालूम थी ये बात। अब चिड़िया जो थी वो तो चली गई, अब नर दूसरी साइड से फीड जब ला रहा था, बच्चों को खिला रहा था। वैष्णव जनता से ने कही जे पीर पढ़ाई जाने रहे। जब उसने काफी देर चिड़िया को नहीं देखा, थोड़ा व्याकुल हुआ, एक आवाज निकालने लगा, पार्टिकल पार्टिकल, जैसे किसी का नाम पुकारे। उदाहरण के लिए सुधा, तो वो ऐसा एक साउंड निकाल रहा था, यानी उसको पुकार रहा था। जैसे उसको चिड़िया नहीं दिखी, धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर साथ में वो क्या कर रहा था, अपने छोटे बच्चों के लिए वो नर दाने ला रहा था कहीं से कि इनको खिलाए। जब और समय गुजरा तो वो ज्यादा चिंतित हुआ, वो ज्यादा चिंतित हुआ। अब वो हताश और उदास होने लगा, उसकी हताशा बिल्कुल साफ दिख रही थी।
लेकिन वो अपना काम भी कर रहा था, उन बच्चों को भी खिला रहा था। आप विश्वास कीजिए, दो दिन तक वो ऐसे ही वो नाम पुकारता रहा। दो दिन बाद वो भूला नहीं, उदास तभी भी था। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बिजली का जो पावर है ना, वो पावर है, पंखे में डालते हैं रिवॉल्विंग करता है, हीटर में डालते हैं गर्म हवा देता है, कूलर में एक सिस्टम है, जैसा पात्र है वो पात्र उसको वैसा वरण कर रहा है, पावर एक है। इस तरह ये आत्मा हाथी के शरीर में जाती है तो उसको ढोती है, चींटी के शरीर में भी यही आत्मा, ये आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए इस धर्म में किसी को भी कष्ट नहीं देना है बोला है। मैं आपको इसके हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मानव तन गुण ज्ञान निदान। मैं आज इन पर थोड़ी सी बातचीत करूंगा। इसलिए किसी जीव को कभी नहीं मारना है, बहुत बड़ा पाप है। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही सब जीव अपने बच्चों से प्यार करते हैं। यहां साहब की चेतावनी बड़ी जबरदस्त है, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूट सी, कोट सुनो तुम प्राण। मैं चंद एक उदाहरण दूंगा इसके। मैंने एक दो दिन पहले एक बात कही थी, मैंने कई जगह मेरे इंटरव्यू हुए, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, यूक्रेन में, अन्य जगहों पर, भारत में, कहीं गुजरात में, अतिथि में भी मेरे इंटरव्यू आए। तो मैं वो एक पूरा इंटरव्यू का समूह एक एपिसोड बना करके, उसमें चार पांच एपिसोड बनेंगे, आप तक पहुंचाऊंगा। बंधुओं, मेरे कमरे में चूहे रहते, हर एक सुरक्षा चाहता है। अब वो चूहे क्या करते थे, मेरी जो खटिया थी निवार की थी, उसमें गद्दे की जरूरत नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, डबल निवार थी, तो बीच में 3 इंच का गैप रह जाता है। चूहों ने क्या किया, वो काटा एक जगह से थोड़ा सा निवार, उसमें रहने लगे। धीरे धीरे बड़े, उनकी फैमिली हो गई काफी, बोलो। जब मैं लाइट ऑफ करता था सोने के लिए, वो भी उधर ही आ जाते थे मेरी उस निवार की खटिया में। तो कहां उन्होंने स्थान बनाया था, जहां मेरा सराहना था बस उधर ही, और आपस में लड़ते थे, चे 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 चे। कितने इंटेलिजेंट थे मैं बताता, मैं यूं करता था, खामोश हो जाते थे। आप हैरान हो जाएंगे जीवों की प्रक्रिया देखकर, आप थोड़ा विवेक करेंगे तो सब में वो चीज दिखेगी। बंधुओं, वो शांत हो जाते थे। धीरे धीरे उनको ये पता चला, ये आदमी नहीं मारता है। आप विश्वास करना, मेरे कमरे में घूमते थे निश्चिंत, उसको मैं कुछ नहीं बोलता था, उनको कभी नहीं बोलता था। मैं जानता हूं हर एक जीव का एक संसार है, आत्मवतम सर्वभूतेषु। वो इतने सुंदर थे, अच्छी डाइट खाते थे, लाल लाल। मेरे बैग में, मैं कहीं कहीं दूर चला जाता हूँ तो बैग में मैं क्या रखता हूँ, थोड़े काजू, थोड़े ड्राई फ्रूट, मिल्क के पहले मैं काफ़ी सेवन करता था, अभी नहीं करता। तो वो मेरे बैग को नहीं कुतरते थे, मेरा नुकसान नहीं करते थे कुछ, वो उसकी जिप को खींच करके डब्बे को कुतरते थे।
आप सोचें ये प्राणी आत्मा जिस भी शरीर में है सबको ढूंढ रही है, और जब कोई दूसरा आदमी आता था वो भग जाते थे, मुझसे उनको भय नहीं था, मैं उनको हैश भी नहीं करता था कभी। वो जान गए ये आदमी शांत है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बड़े आराम से आते घूमते रहते थे, कभी कभी सामने बैठ करके यूं भी करना। आप इनकी भावना को समझे, किसी भी प्राणी को मारना, इसलिए इस धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा गया, जीव दया और आत्म पूजा इन सम देव अवर नहीं दूजा। अक्सर मैं एक संवाद उठाता हूं, मैं जीवों पर भी बोलूंगा, ये पौन घंटे का समय मिलता है मुझे आपसे बातचीत करने का, लोग कहते हैं हिंदू धर्म महान है, ठीक है, हम अच्छे और बुरे का मूल्यांकन किससे करते हैं, उसके गुण और दोषों से करते हैं ना, उसके गुण और दोषों को करते हैं ना। बन्नो जब ये धर्म इसलिए महान है, इसकी एक मान्यता है ईश्वर है, ये धर्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आपके हृदय में बरबस एक सवाल उठेगा, क्या कोई ऐसा धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता? हाँ है, महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग में बुद्ध धर्म में परमात्मा का अस्तित्व है ही नहीं, आत्मा को ही सब कुछ माना गया है। ये सामवेद का उद्घोष है, मैं आपको चार वेदों पर भी कई बार व्याख्या दिया हूं, उनकी समरी निचोड़ बोला हूं। ऋग्वेद प्राचीनतम में वो कहता है ईश्वर है, निर्लेप है, अविकारी है, जन्म मरण से परे है, अडोल है, वो निराकार बोल रहा है। यजुर्वेदाना जो निराकार है वो नथिंग, और ऋग्वेद कह रहा है जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम, कंट्राडिक्शन। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। इसलिए ऋग्वेद कह रहा है जो नहीं दिखा नथिंग, इसलिए उस सत्ता ने अपने आप को साकार रूप में व्यक्त किया, इसलिए इसमें यज्ञ मूर्ति उपासना देवो उपासना है। तर्क ये है, वो ये कह रहे हैं जो ये स्थूल जगत है ये परमात्मा ने अपने आप अपनी शक्ति स्थूल में रखी है, बिना जाने हम किसी से झगड़ा नहीं करें, हम समझे। इसी तरह सामवेद कह रहा है दोनों भ्रम में हो, आत्मा ही सब कुछ है। अब देखिए अथर्व कह रहा है न कोई आत्मा न परमात्मा, कर्म ही के अनुसार मनुष्य का जन्म मरण होता है, कर्म ही सब कुछ है। यहां साहब एक कटाक्ष कर रहे हैं, चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं सीना। चलो, पर यह धर्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अलग अलग धारणाओं से हो सकता है। दूसरा, इस धर्म की महानता का एक कारण है, वो ये कारण है कि इसकी दो मान्यताएं हैं,
इसके दो सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। यानी इस पर चलने वाला, जैसे इस्लाम में मुसलमानों को नमाज करना है, रोजा करना है आदि व्यवस्था है, इसी तरह इसमें भी आपको सत्य और अहिंसा का पालन करना है। इस धर्म की महानता का कारण बता रहा हूं। सत्य के 8 प्रकरण हैं। सत्य बोलना, सत्य ही संग करना, सत्य ही समाधि करना। तो मुझे किसी ने कहा ये तो फिर अष्टांग योग की चीज है। मैं बोला अष्टांग योग तो बाद में बना, महात्मा बुद्ध तो भैया वेदों से पहले नहीं आए, महावीर स्वामी भी वेदों से पहले नहीं आया, कोई महापुरुष वेदों से पहले नहीं आया। शुद्धि आहार खाना, सत्य, किसी का अनित का धन नहीं खाना, सत्य ही संग करना, बुरों के बीच नहीं उठना, सत्य ही संभाषण करना, सत्य ही सुनना, सत्य ही देखना। महात्मा गांधी ने 3 चीजें बड़ी प्यारी बोली। जब हम पढ़ते थे स्कूल में 3 बंदर देखते थे, बुरा मत देख, बुरा मत सुन, बुरा मत बोल। वाह, ये एक स्थूल तरीका था बच्चों को समझाने का। अब अहिंसा के भी 8 प्रकरण है। मन वचन कर्म से किसी को दुख मत देना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से राग द्वेष नहीं रखना, किसी से घृणा नहीं करना, क्योंकि सब में आत्मा देखना। जब आपके पास व्यापक दृष्टिकोण आ जाएगा तो दुनिया में कोई बुरा नहीं। कभी कभी अपने घर में भी तो बुरे लोग हैं जिनकी वृत्तियां ठीक नहीं है, उनको अपनाते हैं, हम आत्मसात करते हैं कि हमारा है। जब वासुदेवम विश्वम विश्वम कुटुम कर्म है सिद्धांत आ जाता है, तब तो फिर बात खत्म हो जाती है। आपके घर में अपराधी भी है, गलत करने वाले भी होते हैं, आप एकोमोडेट करते हैं उनको, बस यही एक धारणा होती है कि ये अपने हैं। कभी कभी माता पिता में भी दोष होते हैं, हम उनको भी आत्मसात कर लेते हैं कि चलो माता पिता हैं क्या करना। इस तरह दूसरे के दोषों की तरफ न देखना, अपनी तरफ देखना, ये है अहिंसा। किसी प्राणी मात्र को किसी भी साइड से किसी भी तरीके से कभी कष्ट नहीं देना, इसका फिर एक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानवतन। आप सोचें जो इसको वर्णन करेगा कितना महान आदमी आत्मा बन जाएगा, वो महान आत्मा बनेगा। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। मैंने एक बात कई बार बोली है, पूरे विश्व में घूमता हूं, जितना धर्मांधता हमारे देश में है कहीं नहीं है, वहां सब मिलजुल करके रहते हैं। हम सब किसी के गुण दोष जाने बगैर उसकी आलोचना करते हैं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, मैं न तो किसी धर्म का पक्षकार हूं, न तो खंडन करने वाला हूं। मैं तो कहता हूं मानव की एक जात पहचान, वहां बात ही तो खत्म हो जाती है पूरी। माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू, ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, माँ का रज पिता का बिंदु। आप सब जीवों पर दया करो, साहब कह रहे हैं, और सब में तेरा जलवा समा रहा है। उदाहरण दूंगा मैं आपको चंदे के, अहिंसा कितनी बड़ी चीज है जीवन के लिए। ये सब छवि परमेश्वर की, इनसे भेदभाव क्यों। बंधु तो वो चूहे
जैसे कोई आता था वो फौरन भाग जाते थे। और मैं एक जगह नहीं रुकता हूँ, आप विश्वास करना, मेरे 220 कमरे हैं अकेले के, 220 टॉयलेट हैं अकेले के, 220 किचन है। आप कहेंगे 220, 220 आश्रम है, इसलिए हर आश्रम में मेरा कमरा अलग है, हर स्थान पर मेरा शौचालय अलग है, तो 220 शौचालय हो गए। और हर जगह मैं सादा भोजन खाता हूँ, चाहे एक दिन के लिए जाऊँ साल में, चाहे थोड़े दिन के लिए, उन सभी आश्रमों का भ्रमण करता रहता हूँ, इसलिए कुछ वो बंद रहते हैं। रांझड़ी में भी मैं 15-15 दिन नहीं रह पाता था। एक बार क्या हुआ, बिल्ली ने वहाँ पर बच्चे दिए एकांत देखकर, सभी सुरक्षा चाहते हैं, आप किसी को सताना नहीं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, ये भक्ति के अंग है। आप हिंसा से युक्त है, चाहे रात दिन बैठकर सुमरण करना, कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही रहोगे जब तक आपके हृदय में दया नहीं है। तो मैं ध्यान में बैठा, मेरे पहले आदत थी, मैं संध्या को भी ध्यान में बैठता था, संध्या को। जैसे मैं ध्यान में बैठा, मैंने अपना ध्यान चढ़ाया, सांस भी चढ़ा दी थी, सुषुम्ना में था, मुझे लगा मेरी गोद में कोई आ गया। मैंने सोचा ये मन है, मन का काम ही यही है, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में फिर मुझे यूं लगा कुछ और भी चीज आ गई है। मैंने दिल में सोचा छोड़ो, मन का खेल है, कुछ नहीं है। इतने में मुझे आवाज सुनाई दी, म्याऊं। मैंने कहा यह भी मन का खेल है, मैं अपने में था। कुछ ज्यादा हरकत हुई, जैसे मैंने आंख खोली, मेरी गोद में 2-3 बिल्ली के पिल्लू बैठे थे, कुछ साइड में बैठे थे, उसने 3-4 दही बच्चे दिए थे बिल्ली ने। क्यों दिए मेरे कमरे में, उसने देखा ये खाली पड़ा है, यहां मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अब वो बिल्ली के बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूं, समस्या है, मेरे कमरे की कोई सफाई नहीं करता है, मंद रहता है। जब मैं जाने वाला होता हूं तो एक दिन पहले वो सफाई करते हैं, बस फिर बंद हो जाता है। वहां सांप भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, चूहे रहते हैं, बिल्लियां रहती हैं। तो मैंने उन्हें हटाया। अब वो क्यों, उन्होंने ये सोचा ये तो हमारा घर है। जन्म के 10-15 दिन में वो जो थोड़े बड़े हुए वहीं रहे, उन्होंने कहा ये कौन आ गया, क्यों बैठा है, ये तो हमारा है। जैसे तैसे करके हटाया, चले गए, उधर ही छिप गए। लेकिन वो अक्सर 1-2 दिन वहां रुके, मैं इनसे परेशान हुआ बताता हूं। एक हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर श्यामलाल जी, उनकी प्रमोशन हुई कहीं, तो वो अच्छे लड्डू बनाकर एक गठरी लाए, कहा गुरुजी ये खुशी में संगत को बांट देना। मैं कहा ठीक है, खटिया के पास ही मैंने वहां रखे। वापस थोड़ी देर में आया तो उस गठरी में मुझे हलचल दिखी, जब हलचल दिखी गठरी खोली, वो पूरे बिल्ली के पिल्लू उसके अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने पूरे लड्डू फड्डू खराब कर दिए। अब थोड़ा सा मुझे ये लगा ये तो धमाल मचा रहे हैं। मैंने एक लड़के को बुलाया, मैं बोला भैया इन सबको पकड़ो, खुद भी मैंने एक को पकड़ा, उसने मेरे दांत उंगली में दांत लगाया
ऐसा दांत था जैसे इंजेक्शन लगाते हैं आर पार कर दिया, तो भी पकड़ लिया उसको, एक बोरे में डाले। मैंने कहा इनको ले जाओ कहीं दूर छोड़ दो, हित अनैत वृक्ष पक्षी जाना। वो छोड़ के आ गए। हाँ विश्वास करना, रात के समय जब मैं सोया, बिल्ली भी उस पटों के अंदर घुसती थी, जगह थी थोड़ी, पक्षी भी आ जाते थे। वो बड़ी वेदना करुणा के साथ मेरे सामने मेरी खटिया के नीचे उधर बैठकर पता है क्या कह रही थी, उसने भाषा नहीं सीखी, मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसके आवाज में बहुत संवेदना थी। आप विश्वास करें, दो घंटे बैठकर वो रोई है। पता है क्या कह रही थी, बस आप इनकी संवेदनशील भाषा को समझें, इस कमरे के तुम स्वामी हो, मेरे बच्चे तुमने कहाँ भेजे हैं। आप मत सोचना कि आप अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करते हैं, सब करते हैं। इसलिए मनुष्य का ब्रेन तो हाथी से भी बड़ा है। मनुष्य का जो ब्रेन है उसमें 2 खरब कोशिकाएं हैं, हाथी के ब्रेन में भी इतनी नहीं है। ये तो विचार करके दुख सुख सह लेता है, इनके पास उतना कष्ट नहीं सहने की ताकत नहीं होती है, बहुत दुखी होते हैं ये। आप किसी भी जीव को मारना नहीं, यही तो तहजीब है हमारे धर्म की। अच्छा वो चली गई, मैं उसको भगा रहा था, वो जाती थी फिर आ जाती थी, ये सिलसिला। अच्छा जब 2-3 दिन हुआ, वो मुझसे ही सवाल कर रही थी, जो मेरे बच्चे गुम हो गए हैं वो तुम बताओ कहाँ हैं। मेरा विचार है आपसे भी ज्यादा जीव जंतु अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मैंने लड़कों को बोला, भैया इसके बच्चे जहाँ हैं उठा लो। बोला वो तो हमने वो राया मोड़ फाटक के पार भेजे, वो नहीं मिले, वो भी कहीं बेचारे छिप गए होंगे। पर सोचो बिना माँ के दूध उनको कहाँ से मिलेगा, शिकार करना आता नहीं था, कितना बड़ा पाप चढ़ा। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ किसी को भी नहीं। मैंने आपको कहा था एक गिटारी, जहाँ मैं सत्संग करता था वहाँ एक बिजली का ऊपर बोर्ड है जहाँ से तारे जाती है, गिटारी ने वहाँ बच्चे दिए थे। और बार बार चाहे सत्संग हो चाहे कुछ अपना काम करती थी, गिटारी आकर के उन बच्चों को भोजन खिलाती थी, मुझे डिस्टर्ब हुआ। मैंने सीढ़ी मंगा कर कहा भाई हटाओ क्या है, तो अंदर छोटे छोटे उसके चूजे थे छोटे छोटे। मैंने कहा नहीं उठाओ। अभी भी आप देखना, जहाँ मैं सत्संग कर रहा हूँ वहाँ उस छत में डेकोरेशन किया हुआ है, सीलिंग की है, कबूतरी आकर उधर बच्चे दिया है। मेरे स्टेज से 5 फीट हाइट होगी ज्यादा। मैंने कहा भाई रहने दो। मैंने आदमी को कहा, जोड़ा आता था इतना पास में कबूतर आते थे, देखो सभी सुरक्षा कर रहे हैं ना, ये आत्मा का जलवा दिखता है। क्या हुआ, मैंने कहा पहले देखो बच्चे तो नहीं है। उधर एक होल था उसके अंदर बच्चे दिए थे। पता है क्यों, वो जानते हैं हमारे बच्चे कौए खा जाते हैं, यहां सुरक्षित है, यहां सुरक्षित है मेरे बच्चे। अब वो क्या करती है, पहले आकर वो सीलिंग के अंदर है, पहले आकर एक जगह बैठती है, वहां से फिर वो सीलिंग में अंदर जाती है और अपने बच्चे को फीडिंग कराती है। मैंने कहा भैया मत छेड़ो उसको, रहने दो। अब उसको ये पता चल गया ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी वही है। आप कहेंगे तो मैं कल या किसी टाइम उसकी शूटिंग करूंगा आप, और वीडियो दूंगा। इसलिए भैया
आप किसी जीव को मत मारना, ये महान संस्कृति सिखाता है ये धर्म। मैं किसी धर्म की वकालत और निंदा नहीं कर रहा। हम सोचते हैं कि मुसलमान सिर्फ तीन तलाक 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 करके बात खत्म करते हैं, ये हमारी धारणा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला, मैं सभी धर्म और जाति के लोगों को नाम देता हूँ। हजारों ईसाइयों को मैंने नाम दिया और कई मुसलमानों को मैंने नाम दिया, जैनियों को नाम दिया, बुद्धिस्टों को नाम दिया। तो एक कमाल खान है, मेरा नाम ही यही, उसके तीन बच्चे, दो तो बड़े हैं, बिटिया होगी 13-14 साल की, लड़का 15-16 साल का है। लेकिन दूसरा बच्चा आया, काफी लेट आया, उसने मुझे कहा इसका नाम रखो। अब मुसलमानों में तो मोहम्मद फलाना, यासर खान, कादर खान आदि ये नाम होते हैं। पता है मैंने नाम क्या रखा? मैं कहा इसका नाम ऐसा रखना है, उसका नाम मैंने रखा हकीकत। ओ वाह, बाकी मुसलमान कहने लगे भाई क्या नाम है इसका, कितना प्यारा है। तो उसकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बड़ी श्रद्धा रखता है। मुझे कहा गुरुजी मेरी धर्म पत्नी को कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है, अधिकतर माताओं बहनों को दो जगह कैंसर होता है, ज्यादा आदमी को भी होता है। आदमी को प्रोस्टेट से कैंसर उठता है, माताओं बहनों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है, इसलिए उनको ओबरी और यूट्रस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा ब्रेस्ट में कैंसर पहले वहाँ अपना क्षेत्र बढ़ाता है जहाँ पर स्नायु मंडल कोमल है, इसलिए गले को पकड़ेगा, थ्रॉट कैंसर, जीभ को पकड़ेगा, लीवर को पकड़ेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से ही उठेगा। उसको वहाँ मैंने एक प्लेट भी है दिल्ली में सुविधा दी, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए लगाया, तो बड़ा पैसा खर्चा हो रहा था। मुझे पता है वो क्या कहा? मैंने कहा इसका साथ नहीं छोड़ना, भी बोला मैं अपने को बेच दूंगा। अब वो कमाल खान, मैंने उसको कमल बोलता हूँ, कमाल खान बोल रहा है मैं अपने को भी बेच दूंगा साहब जी, आप कृपा रखना सिर्फ इलाज करना। पिछले 2 साल से वो उस पत्नी का इलाज कराता है, अभी यंग है, उसको और भी तो मिल जाती। नहीं, ऐसी धारणा नहीं है। हम सब धरती पर रहने वाले मनुष्य बेसिकली एक जैसे हैं, लेकिन कुछ धर्मांधता वाले बहुत ज्यादा खींचातानी करते हैं। कोई कट्टरवाद सिखा देता है, कोई हिंसा सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है। अगर ऑपरेशन करके देखना तो बस वो सब में तेरा जलवा समा रहा है। एक मैं आपको एक हेडमास्टर का भी उदाहरण दूंगा, बेग साहब है, मेरा शिष्य है, कश्मीर का है। वो कमजोर हो गया तो उनका एक और मित्र है मिस्टर सादी। मैंने कहा भाई ये बेग साहब ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। बोला गुरुजी ये ऐसा है, मैं भी इनको समझाता हूं, ये रात दिन साइकिल से घूमते हैं गांव गांव, जो अनाथ और गरीब बच्चे हैं उनके लिए धन संग्रह करते हैं। हम सबके अंदर एक ही वृत्ति है, ये अलग बात है हमें संस्कार के, वो संगत कैसे मिली। हमारा हंसना एक जैसा है, हमारा रोना एक जैसा है, हमारा सुख दुख एक जैसा है, हमें सर्दी धूप गर्मी एक जैसी लगती है, हमें भूख प्यास एक जैसी लगती है, कोई भिन्नता नहीं दिख रही है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई।
हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम को ही ना जाना, दिल में खोजो, दिल में खोजी, यही करीमा राम। अगर आप कुछ मुसलमान सूफी संतों की बात भी सुनेंगे, फकीरों की, तो उसमें बुल्ले शाह है, यारी साहब है, और कुछ है, उन्होंने मानवता को स्थापित किया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो कमाल खान बोला कि गुरुजी मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, और अगर मुझे अपने को बेचना पड़ा तो अपने को भी बेच दूंगा, इसका इलाज करूँगा। मैंने मदद के लिए कुछ पैसे दिए उसे, आप माने, वो थोड़े दिन बाद वापस दिया। मैंने कहा भाई मैं वापस लेने के लिए तो दिया नहीं था। बोला नहीं साहब जी, बस आप कृपा करना। तो कहने का मतलब है सब में तेरा जलवा समा रहा है। ये तो सिर्फ लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के लिए इंसानों को बांट दिया, बस बात इतनी है, इसी में लोगों का हित है, इसी में लोगों का स्वार्थ है, इसी में लोगों का मतलब है। इसलिए साहब ने तो इतनी खुली बात कही है, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। तो मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ, भाई तुम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो ना, हमसे भला राष्ट्रवादी दिखाइए कौन है। 24 साल जीवन के वो सामन फौज में गुजारे राष्ट्र की सेवा के लिए, अभी भी राष्ट्र हित में हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये चाहे लोग समझे या ना समझे, कोई अंतोगत्वा एक ही बात है, हम सबको मिलजुल कर रहना होगा, इसके अलावा हल नहीं है, कोई हल नहीं है। थोड़ा विवेक करके देखिए, हल ही नहीं है। हाँ, हमें अपने नियम को पालन करते रहना। तो मैंने बेग साहब को बोला भाई थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखो। तो क्या ऐसी विभूतियां हर जगह नहीं है, दुष्ट आत्माएं हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है, पुण्य आत्माएं हर जगह मिलती है। जैसे जिसके संस्कार हैं, जैसी क्रियाएं हैं, वैसा व्यक्ति बन जाता है। कुदरत की ओर से हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो बंधु, इस तरह मैंने उनको कहा भाई हमसे बड़ा राष्ट्रवाद का काम कौन कर रहा है। कई बार मैंने एक बात बोली है, संस्कृति का उद्गम ही भौगोलिक स्थिति से होता है, उपासना पद्धति वगैरह ये सब वहां से होती है। इसलिए अगर प्राकृतिक रूप से देखेंगे, भारत संसार का सबसे रिच देश है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में है, इसलिए यहाँ सभी ऋतुएं हैं। बड़ा वंडरफुल है भारत, ऐसा कोई देश नहीं है। इसलिए हम सबको सच में मिलकर रहना होगा, हल नहीं है, कोई हल ही नहीं है। हम सब बस एक दूसरे में समन्वय बिठाएं। मेरे कुल्ले के पास एक पेड़ है, आपको सच बताता हूं, उसमें कौवे भी रहते हैं। आपको शंका है आकर देखना, बड़ा विशाल पेड़ है, उसमें कौवे रहते हैं, गिटारी रहती है, छोटी चिड़ियाएं रहती है, कोयल रहती है, और सबसे ज्यादा तंग कोयल करती है, बहुत बोलती है, और वह पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में आवाज निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर है ना, तो सूर्य की भौं फूटती है, वो देखते हैं। उल्लू भी रहता है, लोग कहते हैं उल्लू बर्बादी का द्योतक है। अरे भैया, हमारा आश्रम तो दिन दूना रात चौगनी उन्नति करता गया, भैया कुछ नहीं हमारी उन्नति हुई, वो भी एक जीव है। लोग बिल्ली, ये सब भ्रम है, लोग बिल्ली रास्ता काटे तो तू तू करते हैं। अरे भैया क्या तू 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 कर रहा है, बिल्ली उड़ के जाएगी क्या, हजार बार बिल्ली मेरा रास्ता काटा है। ये कुछ लोग समाज में भ्रम को फैलाते हैं अपने हितों के लिए, आदमी को भ्रमित करते हैं। कबीर साहब ने ताड़ना उनको दी है, किसी जाति धर्म को नहीं, सब में तेरा जलवा समा रहा है। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ,
इंसानों को नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला, सभी धर्मों को पास से देखने का मौका मिला, सभी जातियों के बीच रहने का मौका मिला। फौजी की जात नहीं होती है, फौजी का धर्म नहीं होता है, फौजी का धर्म है देशभक्ति, राष्ट्रीयता। फौजी की जात है फौजी, वहाँ भेदभाव नहीं है। तो सभी बिरादरियों के, सभी जातियों के, सभी कुलों के, सभी स्टेट के लोगों को 24 साल अपने आसपास देखा। इस तरह बंगाली है तो इधर उड़िया है, उधर राजस्थानी है, सबके टाइबर कस्टम को देखा। हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। हमें इस धारणा को आत्मसात करना होगा, तब शांति होगी। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 1398 में जब कबीर साहब का अवतरण हुआ, उस समय देश की दशा बहुत खराब थी। मैन टू मैन, होम टू होम, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी बैटल चल रही थी। हम सब धर्मांधता के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और एक धर्म दूसरे धर्म को आच्छादन कर रहा था। ये सीख तो सबके लिए, एक धर्म के लिए थोड़ी है, सबने सोचना है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। आप विश्वास करना, जब हमारे हिंदू धर्म के किसी आदमी का देहावसन हो जाता है या घटना हो जाती है, हम विलाप करते हैं, आलाप करते हैं, दुख मनाते हैं। क्या मुसलमान नहीं मनाता है? क्या ईसाई नहीं मनाता है? क्या सिर्फ ब्राह्मण मनाता है? क्षत्रिय नहीं मनाता है? महाजन नहीं मनाता है? शूद्र निम्न वर्ग के लोग नहीं मनाते? हम सबका, हमें एक सार को पकड़ना है। हम सब एक परमात्मा की संतान है। बस हमारे अंदर जब ये धारणा आ जाएगी तो हमारी हिंसा खत्म हो जाएगी। तो वो कौओं ने वो बाकी वो दिखा देना, आपस में समझौता कर लिया कि भाई लड़ने से ठीक नहीं है, हमें यहीं रहना है। वाह, एक पक्षी समझौता कर लेता है, और समझौते कई देखे मैंने। एक बार कुत्ता और बिल्ली, रेलवे फाटक बंद था, लेटे हुए थे बगल बगल में, निश्चिंत लेटे थे, जबकि इनकी तो शत्रुता है। मुझे किसी ने कहा, बिल्ली और कुत्ता तो आपस में लड़ते, ये साथ में सोए हुए। मैं बोला, इन्होंने सुलह कर लिए, इन्होंने समझौता कर लिया कि लड़ाई झगड़े से भैया अशांति होगी, तू अपना काम कर, हम अपना काम। हमें ये समझौता करना ही पड़ेगा, हमें जन जागरण लाना होगा, हमें लोगों में ये धारणा का सृजन करना होगा, अवश्य करना होगा। नहीं तो गोस्वामी जी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निदाना। ऐसी बात नहीं है, दुनिया के बाकी देशों में भी सब धर्म मिलकर रहते हैं, पर ऐसे फसाद कम होते हैं। अभी कुछ खुराफाती लोग हैं जो धार्मिक कट्टरता वाले हैं, अशांति फैलाई विश्व में, हमें उन्हें चिन्हित करना होगा, समाज ने उसका विरोध करना होगा कि हिंसा न हो। वरन वहां इतने दंगे नहीं होते, अब होने लगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे तो सच बोलना है ना, लेकिन अभद्र सच नहीं बोलना है। चुनाव पद्धतियां हमारे देश में कितनी विकृत हो गई है, कितने क्रूर लांछन एक दूसरे पर लगते हैं, कितना अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कितना गंदा गंदा बोला जाता है किसी के लिए, कितनी घटिया घटिया बातें बोली जाती है। ये भद्रता है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। पहले विदेशों में ये तरीका नहीं था, वहां काम देखकर न जाति पर बात वोट मांगते थे, न धर्म पर मांगते थे। हमारे संविधान में भी साफ डायरेक्शन है, जाति धर्म रंग रूप के नाम से कोई वो न। अब ये हवा उधर भी पहुंच चुकी है। मैं प्रमाण देता हूं, पिछले जितने भी चुनाव हुए, आप देखना अमेरिका के, ब्रिटेन के, या कहीं के भी, इतना ज्यादा फसाद नहीं था। इस बार
अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या घमासान मचा हुआ था, ये बयार पहुंच गई। हमें शील होना होगा, हमें सोचना होगा, हम सबको साथ मिलकर रहना होगा। हल नहीं है, बस वही है। एक मेरे ड्राइवर की बीबी को शुगर हो गई, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा भाई पूरे अंग जल चुके हैं, पैर काटना पड़ेगा। हमने उससे कहा भाई कोई और हल हो तो बताओ, पैर ना बचे। बोला नहीं, पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, पैर तो काटना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगा। वहाँ समझौता करना पड़ा पैर काटने के लिए। तो हमें ये, हम सबको मिलकर यहाँ शांत वातावरण बनाना है। यहाँ अगर चारों तरफ असुरक्षा होगी, एक दूसरे पर हम हमला करेंगे, एक दूसरे की जान के प्यासे रहेंगे, तो कैसे शांति हो सकती है? शांति नहीं हो पाएगी। इसलिए धर्मवेताओं को, राजनेताओं को, बाकी को भी ये कार्य करना होगा कि सब में आत्मीयता का उद्गम करें, हिंसा का नहीं। वो आप पेड़ देख लीजिए, बड़ा विशाल पेड़ है, इस पर सभी जीवों ने समझौता करके सब रहते हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप इधर आना, खुद देख लेना। बस हमें मिलजुल कर रहना है, हमें अपने अंदर से हिंसा को छोड़ना है, तब हम संपन्न हो जाएंगे। जिस घर में सुमति है ना, सब काम हो जाते हैं। जहाँ कुमति है वहाँ मजा जीने का नहीं रह जाता। तो बंधु आइए, इस तरह हमें जीवों की भी सुरक्षा करना है, हिंसा को कहीं जगह देना ही नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी का पूरा मंथन करेंगे, अंदर से कबीर साहब निकल आए। हम इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। जो यहाँ से दीक्षा लेता है उसको सात नियम बताता हूँ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। बस सात नियम पालन करना। तुम कौन हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे दिख रहा है तुम एक इंसान हो। जब तुम इनका पालन करोगे, महान इंसान बन जाओगे। इसलिए यहाँ अहिंसा परमो धर्म का और सत्य में जयते कहा। तो जो ये नियम पकड़ रहा है वो हमारी संस्कृति में आ रहा है। मैंने एक बार, एक बहुत बड़े नेता आए, मैंने कहा भाई एक बार सुनो, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने लाखों हजारों ईसाइयों को इस धारा में लाया हो। हाँ, हमारे धर्म से निकलकर और धर्म में बहुत लोग गए होंगे, ईसाई बन गए होंगे, मुस्लिम बन गए होंगे, सिख बन गए होंगे, बुद्धिस्ट बन गए होंगे, कैसी भी था। हमारे धर्म में बाहर जाने के रास्ते खूब हैं, किसी भी धर्म में अंदर आने का रास्ता ही नहीं है। हमने इधर अंदर आने का रास्ता बनाया है। हमें नहीं मतलब है तुम कौन हो, आओ इस नियम का फॉलो करो। जब नियम का फॉलो करेगा तो इस संस्कृति में जुड़ जाएगा। यही हमारी संस्कृति है, सत्य अहिंसा। इसलिए विश्व का महानतम देश है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा ताकि ये हिंसा खत्म हो जाए। हम सबको चेष्टा करनी होगी। आप अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करें, दूसरे को डिस्टर्ब न करें। संविधान भी ये कह रहा है भाई तुम किसी भी धर्म, किसी भी उपासना को कर सकते हो। राम को मान रहे हो कोई बात नहीं, यह आपका अपना विचार है, पर खबरदार रहीम की निंदा मत करना। कर लो, अगर आप नानक देव जी को मान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ईसा मसीह की निंदा नहीं करना। धार्मिक अनुमान पैदा हो जाएगा। आप माने मेरी बात, मैं राजनीति में कहीं से नहीं हूं। धार्मिक अनुमान कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए उत्पन्न करके माहौल बना देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। समाज में अशांति फैलाना किसी भी कोण से ठीक नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। बस यही तो संदेश संतों का है, यही तो संदेश साहब का है।
क्षमा चाहूँगा, थोड़ा मैं लेट हुआ। कल मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था तो रास्ते में नेट प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं कल लाइव प्रोग्राम उस समय बाद में रिकॉर्डिंग करके मैं प्रोग्राम डाला है। इसी तरह कहीं कहीं नेट जब नहीं होती है तो हम प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके तब डाल देते हैं, ठीक है। आप ज़रूर देखें, मैं चाहूँगा मेरा प्रोग्राम 40,000 तक लोग देखें, मैं चाहूँगा हमारे लोग मोर देन मिलियन हैं वो इतने ही देखें। जब लोग अधिक देखते हैं मेरा उत्साह बढ़ता है, वो क्या मैं सोचता हूँ मेरा ये परिश्रम सफल हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों तक मेरा संदेश जा रहा है। मैं इस माह, अभी मैं हिमाचल भी गया था, इस माह मेरी कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक प्रोग्राम दूँ। लेकिन एक समस्या आ गई, फिर पंजाब में भी COVID-19 थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है, यूपी में भी ज़्यादा फैल रहा है, और यूपी में तो मेरे सबसे ज़्यादा लोग हैं, 47 आश्रम है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा हर जगह पहुँचूं। धन्यवाद साहब।